जी हाँ बताइए, कहाँ से बोल रही हैं आप? नमस्कार, नमस्कार मैं कानपुर से बोल रही हूँ, जी, मोनिका। मोनिका। मोनिका जी बताइए, क्या समस्या है आपकी? तो मैं थोड़ा सा जानना चाह रही थी कि आपके इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है जो मेरी सर्वाइकल प्रॉब्लम दूर हो सके। जी बिल्कुल। देखिए, गर्दन में दर्द है तो हम पहले आपको कई एपिसोड में बता चुके हैं, ये जो थंब है, इस थंब पे बैक साइड पे ट्रीटमेंट करना है। थोड़ा सा क्रीम या ऑयल अपने हाथों पे लगाइए, इस अंगूठे की मसाज करिए, उसमें तुरंत आराम आना शुरू हो जाएगा। और इसी अंगूठे पे उसके बाद आप मेथी बांध सकते हैं या इस तरह मैग्नेट को लगा सकते हैं। जैसे ही आप इस मैग्नेट का प्रयोग अभी के अभी, किसी को भी गर्दन में जरा से भी दर्द है, अपने अंगूठे की खूब अच्छे से मसाज करिए। उसके बाद जो लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर है, इसका जो अपर जॉइंट है, एकदम ये नाखून के पास, एकदम देखते जाइए, ये नाखून के पास वाला जो जोड़ है, इसको यहाँ से पकड़कर इसको हल्का हल्का घुमाइए, ट्विस्ट करिए, इस पे हल्का हल्का प्रेशर दीजिए, इसकी मसाज करिए। अब भी तुरंत 2 मिनट के अंदर अंदर आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। इस प्रक्रिया को ऐसा नहीं है कि 2-3 मिनट किया और फिर छोड़ दिया, फिर आप कहो अगले दिन दर्द आ गई, तो इसको हफ्ता 10 दिन लगातार करते जाएंगे तो जड़ से दर्द आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सर्वाइकल की प्रॉब्लम, जी, और जिनकी सर्वाइकल में जो स्पेसेस हैं, डिस्क स्पेसेस हैं, वो अगर घट गए हैं, किसी की एक्सरे हमारे की रिपोर्ट में आया C2 C3 में गैप कम है, C5 C6 में गैप कम है, उसकी वजह से कोई हाथों में सुन्नपन वगैरह आ रहा है, गर्दन में सुन्नपन आ रहा है या चक्कर की फीलिंग है, तो वो किट मंगवा सकते हैं। जिनको एडवांस स्टेज की प्रॉब्लम है, उनके लिए किट की ज़रूरत है। जनरल प्रॉब्लम, सिर्फ इसी की मसाज करिए और इस उंगली को ट्विस्ट करिए, अभी के अभी आराम आएगा आपको, जी उसके लिए किट की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आप